हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरु जी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में बहुत ही आसान ट्रिक बताऊँगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है, प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसके लिए चार ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है विषम की पहचान करें, इसके लिए चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन विषम है। और भी प्रश्न है फिर से श्रृंखला को पूरा करें। और भी प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें, हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यही बात को बताना है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 44 है दोस्तों, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 44 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 43 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने एनालॉजी का है मेरे दोस्त, और पहला प्रश्न को आप लोग सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपको अगर सारे प्रश्न का पीडीएफ चाहिए ना, इन सभी प्रश्नों का आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो हमारे टेलीग्राम से जाकर आप लोग जरूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए तो प्रश्न को सॉल्व करें। प्रश्न है कार का जिस प्रकार रिलेशन सड़क का जिस प्रकार रिलेशन कार से है, वही रिलेशन समुंदर का क्वेश्चन मार्क से है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, यही बात बताना है। चलिए तो इस प्रश्न को आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त, सड़क का जो रिलेशन कार के साथ में है ना, सेम रिलेशन समुंदर का क्वेश्चन मार्क में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, देखो सड़क पर जिस प्रकार कार चलती है, उसी प्रकार समुंदर में, समुंदर के ऊपर क्या चलता है, मेरे दोस्त जहाज चलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा सही, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार 1311 का रिलेशन 6 के साथ में, वही रिलेशन 4222 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के है, और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। अच्छा इस प्रश्न को कराने से पहले मैं आपको चीज बताता हूँ, एक अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 1311 लिखा हुआ है ना, 1311 का जो रिलेशन है 6 के साथ में है, सेम रिलेशन यहाँ पर 4222 इनका रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही बात को समझाना है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा इसको देखेंगे। यहाँ पर देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इन चारों को जोड़ कर 6 बना दिया गया है, जोड़ 3 1 3 4 4 1 5 5 1 6 6 बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। इसको ऐसे भी तुम चाहो तो लिख सकते हो, कैसे तुम इसको लिख सकते हो, 1 + 3 + 1 + 1। अब इनको ऐड करोगे तो जानते हो कितना बनेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल 6 बन जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद 6 बन जाएगा, सिमिलरली इनको भी हम ऐड कर देंगे तो 4 2 6 2 8 2 10, इनको जोड़ने के बाद कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। आप इसको इंडिविजुअल भी ऐड कर सकते हैं, 4 + 2 + 2 + 2, इनको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 4 2 6 2 8 2 10, इनको जोड़ने पर 10 आ रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर प्रश्न है, एक्स और वाई भाई हैं। अच्छा ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है मेरे दोस्त, और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ब्लड रिलेशन में एक्चुअल
होता है क्या कि पुरुष जेंडर को हम त्रिभुज में बंद कर देते हैं और महिला जेंडर के लिए हम सर्किल में बंद कर देते हैं। आप पति पत्नी होते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में एक छोटा सा प्लस सिंबल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग समझिए। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई भाई है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक्स और वाई, ये दोनों क्या है, एक्स और वाई भाई है, ये दोनों भाई है, इसीलिए इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में, क्योंकि पुरुष जेंडर हो गए। जब भाई है मेरे दोस्त, जब ये दोनों भाई है तो पुरुष जेंडर हो गया, इसीलिए इनको हम त्रिभुज में बंद कर देंगे। ये भी त्रिभुज में बंद हो जाएंगे, ये भी त्रिभुज में बंद हो जाएंगे, और ये भी त्रिभुज में बंद हो जाएंगे। एक्स भी त्रिभुज में बंद और वाई भी त्रिभुज में बंद, ताकि ए पुरुष जेंडर हो गए। आगे प्रश्न कहता है सी ए की बहन है, जो सी है ना वो ए की बहन है, यानी ए तो इसमें है नहीं कि लिंक करा दे। अच्छा, एक पॉइंट आगे है, ए एक्स के पिता है, जो ए है वो एक्स के पिता है, तो एक्स से ऊपर आएंगे, आप पिता है इसीलिए इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। अच्छा, ए जो है एक्स के पिता, यहाँ पर एक प्रश्न हमने एक पॉइंट छोड़ा था, सी ए की बहन है, जो सी है ना वो ए की बहन है, तो ए के साथ बनेगी आप बहन हो गई। ठीक है, आगे प्रश्न कहता है सी वाई का क्या है। अब इसका हमारा फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है, इतना फैमिली ट्री बना हुआ है। ठीक है, इससे जितना भी प्रश्न हम लोगों से पूछ लेना, हम सारे प्रश्न का आंसर बिल्कुल चुटकी बजाते ही दे सकते हैं। प्रश्न क्या है, एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई भाई हमने बना लिया, उसके बाद कह रहा है सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, यहाँ पर हमने बना दिया सी ए की बहन है, और एक पॉइंट है ए सी एक्स के पिता है, जो ए है ना एक्स के पिता है, तो एक्स से ऊपर ए आ गया, बिल्कुल। अच्छा, ए आ गया, उसके बाद सी यहाँ पर है। हम लोगों से प्रश्न पूछा गया सी वाई का क्या है, जो सी है ना वाई का क्या है। अच्छा, ए जो है एक्स के पिता है, तो वाई जो है एक्स का भाई है, तो वाई का ए पिताजी हो जाएंगे, बिल्कुल। वाई के देखो, जो ए होगा वाई का पिताजी, आप पिताजी के बहन है कौन, सी, तो वाई के पिता के बहन, यानी अपने पिता के बहन को क्या बोला जाता है, बुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर आंट या बुआ हो जाएगा। ठीक है, आंट, आंट इंग्लिश में आंट कहते हैं, हिंदी में बुआ कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न श्रृंखला को पूरा करें, आजकल जो एग्जाम हो रहा है काफ़ी इसको पूछा जा रहा है, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग टिक करेंगे, चलेंगे। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक्स है, उसके बाद में बी है, एक्स बी है, उसके बाद में सी है, यहाँ पर क्या है डब्लू है, उसके बाद में एफ है, उसके बाद में क्या है जी है ना, डब्लू एफ जी है, उसके बाद में भी है, उसके बाद में जे है, उसके बाद में के है, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा, यही बात को बताना है मेरे दोस्त। सबसे पहले एक्स से डब्लू बना, क्या किया गया, एक्स से डब्लू बना माइनस वन किया गया है, डब्लू से भी बना है माइनस का वन किया गया है, तो ये बताइए भी में भी माइनस का वन कर देंगे, बिल्कुल। तो भी में माइनस का वन करेंगे तो यूं हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए वो ऑप्शन कौन सा है जो यूं से स्टार्ट है मेरे दोस्त, यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन नंबर दो है जो यूं से स्टार्ट है, बाकी सब गलत है, हमें पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम समय काहे खराब करेंगे अपना। ठीक है, सॉरी चलिए, लेकिन हमें तो यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं, तो सिखा रहे हैं तो हम बनाकर आपको दिखा देते, लेकिन एग्जाम में आप लोग यहीं पर रुक जाएंगे, आगे बिल्कुल भी सॉल्व ना करेंगे। यहाँ देखेंगे, अब देखो बी से एफ कैसे बना, बी से एफ बना है प्लस का चार किया गया है। अच्छा, एफ से जे बना फिर से यहाँ भी प्लस का चार किया गया, ये बात को समझ रहे आप लोग, यहाँ भी प्लस का चार किया गया है। अब देखो जे से तुम भी प्लस का चार कर दोगे, तो जे का स्थान होता है दस, दस में चार जुड़ेगा चौदह, चौदह नंबर पे जो लेटर होता है एन होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलेंगे आगे देखेंगे एक पॉइंट को और। अगला थर्ड लेटर सी से जी कैसे बना, सी से जी बना यहाँ भी प्लस का चार किया गया है। अच्छा, जी से के बना, यहाँ देखो मेरे दोस्त सी से जी बना, सी से जी बना है ना, सी से जी कैसे बना है, जी का स्थान होता है सात,
अब सी का तीन, तो तीन से सात बना प्लस चार। अच्छा जी से के बना, यहाँ भी प्लस चार क्योंकि जी का सात के का ग्यारह, तो के में भी प्लस का के में भी प्लस का चार कर देंगे, तो के का स्थान होता है ग्यारह में चार जुटेगा पंद्रह, पंद्रह लेटर होता है ओ, तो आया कि नहीं यू एन ओ आ गया। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच क्या है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें मेरे दोस्त। एक्चुअल में देखो दर्पण प्रतिबिंब होता है क्या, जब हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो जो हम लोगों का दायां हाथ होता है वो बायां दिखने लगता है, जो बायां हाथ होता है वो दायां दिखता है, सर ऊपर है तो ऊपर दिखता है, पैर नीचे है नीचे दिखता है। एक्चुअल दर्पण प्रतिबिंब होता है क्या, टॉप और बॉटम आपस में चेंज नहीं होते हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, दहिना और बायां आपस में चेंज होते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है तो यहाँ पर देखो इसका जो इसका जो चित्र बनेगा दर्पण प्रतिबिंब में कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर एक बॉक्स तो बनेगा। ठीक है अब देखो मेरे दोस्त, दर्पण के ई साइड में, दर्पण के ई साइड में दिख रहे हैं, अभी निचले भाग में तुम देखो दर्पण के ई साइड में ये त्रिभुज क्या है, दाहिने बगल है, आई सर्किल क्या है, बाएं बगल है, दर्पण के ई साइड में बिल्कुल। तो इसका प्रतिबिंब दाहिना बाएं आपस में चेंज होता है बिल्कुल, तो ये त्रिभुज जो दाहिने है ई बनेगा बाएं, तो बाएं आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दर्पण के ई साइड में बायां इधर होगा दायां इधर होगा, तो दायां बायां आपस में चेंज होता है, तो त्रिभुज आ जाएगा यहाँ पर, आई जो सर्किल है ये बायां है तो ये चला जाएगा दायां पर। अच्छा ये जो कलर किया हुआ भाग है ये पीछे है, इसीलिए ये भी पीछे कलर किया जाएगा। ठीक है ये बंद। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर त्रिभुज नहीं दिया गया है इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी त्रिभुज नहीं दिया गया है इसीलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ए और सी बचा हुआ है। यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर सर्किल वाला पार्ट आना चाहिए तो यहाँ पर चतुर्भुज वाला नहीं आ सकता, इसीलिए सी गलत हो जाएगा। बचा क्या, ऑप्शन ए यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमें बिल्कुल भी चेक करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में हम ऐसे सर्व करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है चलिए लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। अब देखो दर्पण के ई साइड में ई दायां है तो ई बायां बनेगा, आई दर्पण के बायां है तो ई जाएगा दायां पे, तो देखो ई वाला जो स्क्वायर के रूप में है ई ऐसे बनेगा। ठीक है जो कलर किया भाग है इसका पीछे है तो ई पीछे कलर किया जाएगा। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर देखेंगे जो त्रिभुज है ये आ जाएगा यहाँ पर, त्रिभुज बाएं है तो ये आ जाएगा दाहिने, यहाँ हूबहू मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए के जैसा बन गया। ठीक है और एक और तरीका, आप लोग पेन पेपर उठाएंगे और इसको लिखेंगे, एक और तरीका, इसको तुम अगर भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक भेरा कट मेथड, जो लिखो जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। जैसे यहाँ देखो दर्पण से नजदीक त्रिभुज है तो इसका प्रतिबिंब भी नजदीक बना, दर्पण से दूर इस सर्किल है तो दर्पण से दूर भी इसका सर्किल बना, दर्पण से नजदीक ये स्क्वायर है तो नजदीक बना, और दर्पण से दूर त्रिभुज है तो त्रिभुज बना। इस कंसेप्ट के आधार पर भी तुम यहाँ पर तुम बाई ऑप्शन इसको छाट सकते हो। ठीक है चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, छह नंबर प्रश्न है। जैसे जी आर ए एम को ई पी वाई की लिखा जाता है उसी प्रकार एच ए एल टी हाल्ट का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन होगा। यहां पर क्या है मेरे तो जैसे जी उसके बाद में आर है, जी आर ए है ना, इनको उसने कोड किया है, इसको इसने उनको कोड किया है ई ई उसके बाद पी के साथ उसके बाद वाई ई पी वाई उसके बाद के से किया गया है। हम लोगों से पूछा गया जैसे हाल्ट एच ए एल टी हाल्ट का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखेंगे। यहाँ देखो जी से ई कैसे बना है, आर से पी कैसे बना है, ए से वाई कैसे बना है, एम से के कैसे बना है, इसको देखो। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जी से ई बनाया गया है माइनस दो किया गया है, आर से पी बनाया गया है माइनस दो किया गया है, ए से वाई बनाया गया है माइनस दो किया गया है, एम से के बनाया गया है माइनस दो किया गया है। ठीक है सिमिलरली यहाँ पर भी वही लॉजिक हम लगा देंगे, जब वही लॉजिक लगाएंगे तो हमारा आंसर चुटकी बजाते ही आ जाएगा। यहाँ पर इन सब में माइनस दो करना है, सब में माइनस का दो करना है मेरे दोस्त। ठीक है तो यहाँ देखेंगे एच में से दो घटेगा तो छः बचेगा, अच्छा ए में से दो घटेगा वाई बचेगा, एल में से दो घटेगा जे बचेगा, और टी में से दो घटेगा टी का स्थान बीस
बीस में से दो घटेगा 18, 18वां लेटर आर होता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा FYJR किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, और हमारा ये 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है। 3x3 की मैट्रिक्स कही है, देखो 3 जो है कॉलम में है और 3 जो है रो में है, इसीलिए इसको 3x3 की मैट्रिक्स बोला जाता है। और इस मैट्रिक्स में एक खास बात क्या है कि खास बात है कि इधर नंबर 12 दिया गया है, इसका मतलब इसको ऐसे ये मैट्रिक्स ऐसे सॉल्व होगा, ये फिक्स है कि ऐसे सॉल्व होगा क्योंकि बराबर इस साइड में दहीने बगल में 12 दिया गया है। चलेंगे तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा उसको पहचानेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो 5 और 8 का यूज करके हम लोग 32 कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो अगर इस 5 × 8 कर दें, 5 × 8 कर दें और जो भी वैल्यू आएगा उसमें से ये बीच में जो लिखा हुआ इसको हम घटा दें, 5 × 8 और बीच में क्या लिखा है 8, तो 5 × 8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 40 हो जाएगा। और -8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में से 8 जाएगा 32 बचेगा, और यहाँ पर भी 32 लिखा हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, ये बात आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ पर 9 × 6 करेंगे और बीच वाले 6 को ही घटाएंगे क्योंकि बीच वाले नंबर को ही घटाया जा रहा है। तो 9 × 6 माइनस बीच वाला नंबर कितना है 6, तो 9 × 6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 54 हो जाएगा। इस 54 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्या 48 दिया हुआ है, बिल्कुल 48 दिया है, इसका मतलब लॉजिक हमारा सही है। सिमिलरली हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे और बीच वाले नंबर को घटाएंगे, बिल्कुल तो इनको गुना करेंगे 7 × 9 अब बीच वाला नंबर कितना है 9 है, तो 9 को घटाएंगे क्योंकि बीच वाला नंबर है 9, तो 9 घटा रहे हैं चलेंगे। तो ये हो जाएगा 9 × 7 कितना हो जाएगा 9 × 7 = 63, और इसमें से -9 कर देंगे 9 × 7 = 63, 63 -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 54 हो जाएगा, 13 में से 9 हो जाएगा 4, 5 के बाद 50 यानी कि 54। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा मेरे दोस्त 54 आएगा, और 54 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो 54 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, आज के बाद ऐसा प्रश्न कभी भी गलत आपसे नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि HEAD को 37 के रूप में और BANK के बैंक को 57 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो KITE को किस प्रकार से किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ये बात को समझ चुके हैं आप लोग बिल्कुल, यहाँ पर देखेंगे क्या है HE, उसके बाद में क्या है A, उसके बाद में क्या है D है, इनका यूज करके क्या बनाया गया है 37 बनाया गया है। ये बात समझ लिए आप लोग, 37 बना दिया गया। अच्छा चलेंगे आगे, पॉइंट क्या कहता है उसको ध्यान से देखेंगे। आगे जो पॉइंट कहता है मेरा, जैसे यहाँ पर लिखा है BANK, इस बैंक का कोड उसने क्या किया है, बैंक का कोड किया है 57, और फाइनली हम लोगों से क्या पूछा गया है, फाइनली हम लोगों से पूछा गया KITE का कोड क्या होगा, यही बात को बताना है। तो चलेंगे यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा मेरे दोस्त, सबसे पहले ध्यान से हम लोग देखेंगे, ध्यान से हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखो इनका यूज करके हम लोग 37 कैसे बना सकते हैं, इनका यूज करके हम लोग 37 कैसे बना सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या है, एच का जो स्थान होता है मेरे दोस्त एक्चुअल में 8 होता है, ई का स्थान 5 होता है, ए का स्थान 1 होता है और डी का स्थान 4 होता है। इन सारे प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ कर देखो क्या कुछ लॉजिक दिख रहा है कि नहीं। तो 8 + 5 + 1 + 4 इनको जोड़ेंगे तो 8, 8 × 5 = 13, 13 × 1 = 14, 14 × 4 = 18 हो जाएगा। 8 × 5 = 13, 13 × 1 = 14,
14 अचार 18, 18 से 37 कैसे बन सकता है मेरे दोस्त, 18 से 37 कैसे बन सकता है इसको देखेंगे ध्यान से। अगर इनको हम 2 से गुना करें और प्लस 1 कर दें, 2 से गुना करके प्लस 1 कर दें तो 18 दोनों 36 और एक कितना 37 हो जाएगा। जब ऐसा लॉजिक है तो ये दूसरा में भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। बिल्कुल, 2 का स्थान होता है 2, सॉरी बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, के का 11 होता है। इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 एक 3, 3 आ 14 17, 17 एक 18, यहाँ पर भी 18 आ गया, यहाँ पर भी 18 आ गया मेरे दोस्त। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कितना आ गया, फिर से जोड़ते हैं, b का 2, a का हो जाएगा 1, n का हो जाएगा 14, k का हो जाएगा 11 मेरे दोस्त। तुम 1 जोड़ दे रहे हो, k का 11 होता है, 2 एक 3, 3 आ 14 17, 17 में 11 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 28 हो जाएगा। 28 से 57 कैसे हम लोग बना सकते हैं, सेम लॉजिक यहाँ पर हम लगा सकते हैं। कैसे सेम लॉजिक, क्या डबल इनको करके प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि डबल करके प्लस 1 करना तो 28 दूनी 56 और एक कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इस लॉजिक को हम लगा देंगे तो के का स्थान कितना होता है 11, आई का स्थान कितना होता है 9, टी का स्थान कितना होता है 20, ई का स्थान कितना होता है मेरे दोस्त 5, तो यहाँ पर प्लस 5 हम कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा, इन सबको तुम ऐड करो तो 11 को 9 को 20 को, 20 को 20 को 40 को, 40 को 5 को 45 को, इनको जोड़ने के बाद 45 आ रहा है। लेकिन हमारा 45 आंसर तो होगा नहीं, क्या आंसर होगा, इस 45 का हम लोग करेंगे डबल और प्लस 1, इसका हम करेंगे डबल और प्लस 1, तो 45 दूनी 90 और एक कितना हो जाएगा मेरे भाई 91 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 91 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग लॉजिक को ढूंढेंगे कि क्या लॉजिक लगेगा इस प्रश्न में। तो देखो मेरे दोस्त एक्चुअल में करना क्या, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक टोटल विषम दिन जोड़ लो, सितंबर से अक्टूबर तक टोटल विषम दिन निकालो, विषम दिन तुम निकालो सितंबर उसके बाद अक्टूबर। अच्छा, कैलेंडर का एक रूल होता है मेरे दोस्त, क्या कि पहला महीने में हमेशा बची हुई तारीख लिखते हैं और अगला महीने में हमेशा दी गई तारीख लिखते हैं। पहला महीना 27 सितंबर है, सितंबर जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है, क्योंकि अप्रैल जून सितंबर नवंबर तीसा जानो, बाकी सब 31 जानो फरवरी 28 का होता है। लीप ईयर जब आता है फरवरी एक बढ़ जाता है, फिर से समझो, अप्रैल जून सितंबर नवंबर तीसा जानो बाकी सब 31 जानो, लीप ईयर जब आता है फरवरी एक बढ़ जाता है। कहने का मतलब मेरे दोस्त आपको बिल्कुल याद रखना है कि अप्रैल जून सितंबर और नवंबर ये 4 को जो महीना होता है 30 दिन का होता है, बाकी महीना सारे 31 दिन का होता है एक फरवरी के छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ से हमको मालूम चला कि सितंबर जो महीना होता है वो होता है 30 दिन का, उसमें से 27 दिन हमने यूज कर लिए हैं तो 27 घटा लेंगे, 27 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हमेशा कैलेंडर का रूल होता है कि पहला महीना में लिखा जाता है क्या मेरे दोस्त, पहला महीना में क्या लिखा जाता है, पहला जो महीना होता है उसमें लिखा जाता है बची हुई तारीख। तो इसमें कितना दिन बचा है 3 दिन, प्लस अक्टूबर जो दूसरा महीना होता है उसमें लिखते हैं दी गई तारीख, तो इसमें कितना तारीख दिया गया है 27, बस इसी को अब ऐड कर देंगे तो 27 दिन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अच्छा, इस 30 को 7 से भागा करके छोटा करेंगे, क्योंकि 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है, तो 30 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौका 28, 2 क्या बचा, दो बचा मेरे दो शेष फल, यानी दो शेष बचा। अब जो देश दो शेष बचा, सितंबर से हम लोग जा रहे हैं अक्टूबर में, यानी कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, तो ये जो 27 सितंबर को शनिवार है ना, तो इसमें 2 दिन हम ऐड कर देंगे, तो 2 दिन ऐड करेंगे तो रवि सोम, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सोमवार, शनिवार में 2 दिन ऐड करेंगे, तो पहला ऐड करेंगे तो आ जाएगा रविवार, दूसरा ऐड करेंगे तो आएगा सोमवार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से लिया गया है मेरे दोस्त, क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। कहता है सभी नींबू बेर है, यानी जितना भी नींबू है सभी नींबू जो है वो क्या है, सभी नींबू क्या है, सभी नींबू बेर है, तो ये बेर बना लेंगे, सभी नींबू बेर है, ठीक है। आगे सभी बेर खजूर है, जितना भी बेर है ये क्या है, सभी बेर क्या है, खजूर है, खजूर हमने बना लिया। आगे पॉइंट कहते हैं कुछ खजूर आम है, ये खजूर का कुछ भाग जो है ये क्या है, आम है, कुछ खजूर का भाग आम है, ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। हमें निष्कर्ष अब निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते, देखो पहला निष्कर्ष कुछ नींबू आम है। देखो मेरे दोस्त, नींबू यहाँ पर है, आम यहाँ पर है, इनके बीच कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा कुछ आम बेर है, कुछ आम बेर है, यहाँ देखेंगे आम वाला सर्किल यहाँ पर है, बेर वाला सर्किल यहाँ पर है, इनके बीच में भी कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये भी बात गलत है। तीसरा निष्कर्ष सभी नींबू खजूर है, बिल्कुल जो नींबू का इतना भाग है, ये सारे भाग जो है इतना सर्किल के बीच में आ रहा है, बिल्कुल, यानी नींबू का जितना भाग है सारे नींबू खजूर के भीतर में आ रहा है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कुछ आम खजूर है, आम का इतना भाग मेरे दोस्त, जो आम का इतना भाग है ये बिल्कुल खजूर के भीतर में आ रहा है, इसका मतलब ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ आम खजूर है यो सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, निष्कर्ष थर्ड और फोर्थ दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। संख्या यानी ऑप्शन ए कहता है, मान लीजिए ऑप्शन ए सही है तो ये कहता है तीन के जगह पे नौ लेना है, नौ के जगह पे तीन लेना है, ये बात को समझिए। यानी ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कहने का मतलब जो तीन है उसके जगह पे नौ लेना है, और जहाँ भी नौ है उसके जगह पे तीन लेना है। तो हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही है, जब सही है तो इसको हम सॉल्व कराते हैं। अब चौंसठ, चौंसठ के बाद में क्या है, प्लस है छत्तीस, है ना, उसके बाद भागा है, तो भागा तो रहेगा, यहाँ पर आ गया तीन, तो तीन के जगह पे नौ लेना है और गुना नौ के जगह पे तीन लेना है, बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। उसके बाद माइनस कितना है, बत्तीस है, और बराबर के इस साइड में कितना है, तो चौवालीस है। अब अगर इनको सॉल्व करने के बाद बराबर के दोनों बगल चौवालीस हो गया तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूँ, इसको हम बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के तरीका से, ये बात सब कोई जानता है। बोर्ड मास के तरीका क्या कहता है, बी से ब्रैकेट जो इस प्रश्न में नहीं दिया गया है, ओ से ऑफ, ऑफ भी इस प्रश्न में नहीं दिया है, ए डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद प्लस का, तब जाकर माइनस का, ये बात सब कोई समझता है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अब हम इनको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, चलेंगे तो इनको सॉल्व करेंगे हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले भाग का काम होगा, तो चौंसठ ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस छत्तीस, नहीं भाग का काम होगा तो छत्तीस को जब हम नौ से भागा करेंगे तो नौ चौका छत्तीस, चार बचेगा, और गुना यहाँ पर तीन दिया है, अब माइनस बाईस बत्तीस, माइनस बत्तीस अब बराबर के इस साइड में चौवालीस दिया गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, चौंसठ ऐसे ही ठीक है ना, चार गुना तीन कितना हो जाएगा, चार तीन बारह हो जाएगा, अब माइनस कितना बत्तीस, अब बराबर के इस साइड में कितना बचा हुआ है मेरे तो चौवालीस। यहाँ तक समझ चुके हैं सभी कोई, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे मेरे दोस्त, कि यहाँ पर अब प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देंगे, हम प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ चौंसठ में बारह को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, चौंसठ में बारह को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा छिहत्तर हो जाएगा, माइनस कितना बत्तीस, अब बराबर के उस साइड में तो चौवालीस देबे किए। अब देखेंगे मेरे दोस्त, छिहत्तर में से बत्तीस जाएगा तो बराबर के ई साइड भी चौवालीस हो गया, और उधर तो ऑलरेडी चौवालीस देबे किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, क्योंकि इसी को नौ और तीन को आपस में इंटरचेंज करने पर ही हम लोगों का आंसर आ गया, इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही है मेरे दोस्त।
ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखें, कह रहा है विषम की पहचान करें। यानी 12 नंबर जो प्रश्न है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है, विषम की पहचान करें। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 11 से 23 कैसे बना हुआ है, 9 से 16 कैसे बना हुआ है, 25 से 51 कैसे बना है और 13 से 27 कैसे बना है, इसको देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मेरे दोस्त हम लोग देख रहे हैं, देखो जो 25 से 51 बना है कैसे ही बना है, 25 से 51 बना है कैसे, अगर इनको हम 2 से गुना कर दें, 25 दूनी 50, आप प्लस 1 कर देंगे तो 51 बन जाएगा। बिल्कुल, पहले नंबर को 2 से गुना करके प्लस 1 करने से दूसरे नंबर मिल गया। बिल्कुल, यहाँ ऑप्शन डी में भी सेम लॉजिक, इस 13 को 2 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 26 में प्लस 1 करेंगे तो 27 बन जाएगा। बिल्कुल अच्छा, ऑप्शन बी में देखते हैं, यहाँ पर 9 को अगर हम 2 से गुना करें तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 में यहाँ पर क्या किया गया, माइनस 2 किया गया, 9 दूनी 18 माइनस 2 करने से 16 बनेगा। जबकि ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 11 का 2 से गुना, 11 दूनी 22 और प्लस 1 कर देने से 23 हो जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग हो जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर बी इसलिए अलग होगा, क्योंकि सारे में पहले नंबर में गुना 2 करके प्लस 1 किया जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में गुना 2 तो किया गया लेकिन माइनस 2 किया गया, प्लस 1 होना चाहिए लेकिन माइनस 2 हुआ है। इसीलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो 13 नंबर, दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब देखो, हमारे पास 5 वर्ड दिया हुआ है, ये 5 वर्ड के डिक्शनरी के अनुसार रीअरेंज करना है, डिक्शनरी के अनुसार सजा देना है, और हाल ही में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो कैसे सजाएंगे। देखो डिक्शनरी में एक्चुअल होता है क्या मेरे दोस्त, देखो अल्फाबेट के अनुसार वर्ड को अरेंज किया जाता है। जो अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है तो ए से वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद बी से, उसके बाद सी से, उसके बाद डी से, इसी प्रकार डॉट डॉट करके, ठीक है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। तो चलेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे पहले कौन आएगा। तो देखो एच ई ए 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 सब में कॉमन है, तो इसको हम छांट देंगे, इसके बेस पे हम नहीं बता सकते। अब हम देखेंगे मेरे दोस्त, क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, देखो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं ए के बाद में क्या दिया हुआ है, ए के बाद में आई दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं ए के बाद में आई दिया हुआ है, और दूसरा वर्ड में डी दिया हुआ है, तीसरा वर्ड में आई दिया हुआ है, चौथा वर्ड में पी दिया हुआ है, पाँचवा वर्ड में टी दिया है। तो ये बताइए आई डी पी टी में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है डी वाला, तो ये आ जाएगा सबसे पहले, यानी जो दूसरा लिखा है ये आ जाएगा सबसे पहले, दूसरा वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। अच्छा अब हम देखेंगे कि मेरे दोस्त आई आई पी टी में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आई वाला आता है, ई दोनों में तो आई वाला आता है, तो यहाँ पर आई है, केवल आई पर ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब 2 के बाद में क्या आएगा, पहला वर्ड आ जाएगा, पहला नंबर वाला वर्ड, उसके बाद आ जाएगा तीसरा नंबर वाला वर्ड, ठीक है। अच्छा हमारे पास बचा पांचवा और चौथा, ये बताइए सबसे पहले पी आता है कि सबसे पहले टी आता है, तो मेरे दोस्त सबसे पहले अल्फाबेट में पी आता है, तो पी वाला वर्ड क्या है, चौथा, और तब जाके पांचवा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। कितना आसान और मज़ेदार प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि 8 हैज 6 का अर्थ है 28, 7 हैज 4 का अर्थ है 22, तो 9 हैज 3 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या संबंध होगा, और SSC CHSL टीयर फर्स्ट 9/3/2023 शिफ्ट 4 में पूछा हुआ है इस प्रश्न को। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखो 8 हैज 6 का यूज करके 28 कैसे बना सकते हैं, 8 उसके बाद में क्या है, 8 के बाद में क्या है, हैज है, उसके बाद में 6 है, इनका यूज करके 28 कैसे बना सकते हैं,
उसके बाद देखो मेरे दोस्त, दूसरा लॉजिक, दूसरा लॉजिक क्या है, सात है, उसके बाद में क्या है, हैज है, सात हैज चार का प्रयोग करके हम लोग 22 कैसे बना सकते हैं। ऐसा जब बन जाएगा तो मेरे दोस्त हम आसानी से यहाँ पर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं 9 और उसके बाद में क्या है, 9 हैज उसके बाद में 3 लिखा हुआ, 9 हैज 3 को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक को हम लोग ढूंढेंगे मेरे दोस्त, लॉजिक क्या लगेगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा, यहाँ हैज के जगह पर तुम्हें रखना है क्या, प्लस रखना है, ठीक है, हैज के जगह पर तुम्हें प्लस रखना है, जहां भी हैज है ना, हैज को जगह पर तुम्हें प्लस लेना है। हैज मीन्स यानी इसका मतलब तुमको प्लस लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्लस ले लो, तो हैज की जगह पर प्लस ले लो, तो 8 और इसके जगह पर क्या लेना है, प्लस, 8 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस 14 से 28 बनाना आसान है, क्यों, क्योंकि डबल जस्ट डबल कर देंगे, तो 14 का जस्ट डबल कर देंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 28 हो जाएगा। तो 28 तो देवे किया है, यहाँ पर सेम लॉजिक भी हम लगा देंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर 7 उसके बाद में प्लस कर देंगे हैज की जगह पर 4, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11, इनको हम 2 से गुना कर देंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा हमारे भाई, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 भी दिया हुआ है। सेम लॉजिक को यहाँ पर लगा देंगे, 9 रहेगा हैज के जगह पे प्लस कर देंगे 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, इनका कर देंगे बस डबल, तो 12 का डबल कितना हो जाएगा हमारे भाई, 24, तो 12 का डबल हो जाएगा 24, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा मेरे मित्र, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे, और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और 15 नंबर प्रश्न क्या है, श्रृंखला को पूरा करना, हमारे पास एक सीरीज दी हुई है इसको पूरा करना है। तो क्या है, इस सीरीज में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 3 है, उसके बाद में 3 के बाद में क्या है, 3 के बाद में क्या है, 3 के बाद में क्या है मेरे दोस्त, 13 है, आई 13 के बाद में क्या है, 53 लिखा हुआ है, आई 53 के बाद में क्या है, 213 लिखा हुआ है, आई 213 के बाद में क्वेश्चन मार्क लिखे, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 से 13 कैसे बना सकते हैं, 3 से हम लोग 13 कैसे बना सकते हैं, 3 से 13 बनाने के लिए अगर 3 का हम डबल कर दें, 3 चौका 12 और प्लस 1 कर दें तो 13 बन जाएगा, सही बात है। 13 से उसी प्रकार 53, इनको भी गुना कर दे 4 से तो 13 चौका 52, अब 52 में प्लस 1 कर दे तो 53 बन जाएगा। सिमिलरली इसी को भी 4 से गुना कर देंगे, अब प्लस 1 करके देखते हैं क्या 213 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर करेंगे 53 गुना हम कर देंगे 4 से, तो 53 गुना 4 4 त्या 12 के 2 हासिल कितना 1, 5 चौका 20 और 1 कितना 4 त्या 12 के 2 हासिल कितना 1 4 5 का 20 1 21 212 प्लस 1 करेंगे तो 213 बिल्कुल बन जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। चलिए तो जब सेटिस्फाइड हो गया तो सिमिलरली इनको भी हम 4 से गुना कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, इनको भी 4 से गुना करके प्लस 1 कर देंगे, तो 213 गुना 4 प्लस 1 यहाँ पर कर देते हैं, 213 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 त्या 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 हो जाएगा। अच्छा 4 त्या 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 हासिल 5 और 4 2 8 852 हो जाएगा, लेकिन प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 853 हो जाएगा, और 853 हमारा फाइनली आंसर होगा। और 853 को किस ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।